हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर हनी मैम। वेलकम बैक टू माय चैनल क्लास 8 स्टूडेंट। जस्ट बी हैप्पी बिकॉज आई एम बैक विथ माय अनदर वीडियो फॉर द सेम चैप्टर मेंसुरेशंस। सो वी आर गोइंग टू डू 11.2 एज वी हैव डन 11.1 एंड वी हैव डिस्कस द ट्रिक्स ऑफ फॉर्मूले। ओके, तो लेट्स स्टार्ट 11.2। 11.2 भी बेटा बिल्कुल ईजी है। आपको फॉर्मूले याद हैं कि नहीं, एक बार वीडियो देखने से पहले वापस से उस फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस को वीडियो को देखिएगा। फॉर्मूले याद तो सब डन, ठीक है? तो डोंट वरी, आई एम देयर, वी विल बी सॉल्विंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन एंड जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दी फॉर्मूले। ओके, तो लेट्स डू दी क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज द शेप ऑफ द टॉप सर्फेस ऑफ द टेबल इज ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम टेबल के टॉप जो होता है ना, कोई भी टेबल का टॉप है, यहाँ वाला ये टेबल का टॉप है, उसको जब हम देख रहे हैं तो वो एक शेप है ट्रेपेजियम शेप का, ठीक है? उसके साइड्स सब गिवन है, दोनों पैरेलल साइड्स की वैल्यू भी गिवन है और हाइट ऑफ द टेबल भी गिवन है, टॉप ऑफ द टेबल की, ठीक है? नॉट दैट लेग्स, आपको लेग्स नहीं देखने हैं उस टेबल के, आपको सिर्फ टॉप देखना है और ये सब गिवन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैट पर्टिकुलर पैरेलल साइड्स। आपको उस टॉप की एरिया निकालनी है। बहुत सिंपल, आप डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हो क्या, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम टॉप सरफेस ऑफ टेबल, एरिया ऑफ टॉप सरफेस ऑफ टेबल विच इज ऑफ ट्रेपेजियम शेप, टॉप सरफेस ऑफ टेबल लिख दीजिए यहाँ पे, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स into the height, I would say, because distance between the two parallel sides लिखना नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, that is the height only। आपके पास half तो है ही, parallel sides की वो कितना है, measurements कितने, एक है 1 plus 1.2 meter है और इनके बीच का distance कितना है 0.8, ठीक? ये भी meter, दोनों area है तो of course square units में आएगा, ठीक? यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको 0.4, ये है अंदर है आपका 2.2 × 0.4 मीटर स्क्वायर। अब कर लेते हैं इनको सॉल्व, 0.4, 4 × 8, 4 × 8, 2 × 0, 2 × 0, 0 × 0, 0 × 8, 8, और दो नंबर के पहले आपका लग जाएगा डेसिमल, आगे आपका 0.88 मीटर स्क्वायर आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, सबसे सिंपल क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ठीक? ये हो गया आपका डन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज गिवन। ओके, चलिए लिख लेते हैं। आप जो जो मैं करते जा रही हूँ ना, जिस तरह से उस तरह से करेंगे तो आपसे कुछ भी मिस नहीं होगा। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज गिवन, ओके। लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड इज गिवन। चलिए पैरेलल साइड पहले फिगर बना लेते हैं और उसकी एरिया है 34 सेंटीमीटर, लिख लो अंदर सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ वन पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ सॉरी हाइट इज मेजरमेंट ऑफ हाइट इज 4 सेंटीमीटर, ठीक? तो आपको निकालना है ये अदर पैरेलल साइड। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स into height, the distance between two parallel sides. Now this is 34, half into sum of parallel sides, मतलब 10 plus x ले लो आप, क्योंकि आपने उसको x माना है, आपको पता नहीं है ना वो कितनी है उसका मेजरमेंट, तो आपने इसको x मान लिया, एंड देन into height है उसकी 4, ये हो गया कैंसिल। यहाँ हो गया आपका 34 डिवाइडेड बाई 2, आप इस 2 को इधर ट्रांसपोज कर रहे हो और यहाँ आपके पास बच गया है सिर्फ 10 plus x, ये हो गया आपका 17 और यहाँ पे आ गया आपका क्या 17 माइनस 10 इज इक्वल टू एक्स। अब आप इस 17 के पास 10 को लेके जा रहे हो, क्या वैल्यू आ गई x की, x इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड और नॉट? यस मैम, इज इट ईजी? ऑफ कोर्स इट इज ईजी, ठीक? तो जस्ट डन सेकंड क्वेश्चन आल्सो वेरी सिंपली बिकॉज यू जस्ट रिकॉल दैट फॉर्मूला एंड देन डन। ओके, तो हो गया ये खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ट्रेपेजियम शेप फील्ड इज दिस। फेंस होता ही है पेरीमीटर, फेंसिंग का मतलब ही पेरीमीटर होता है, फेंसिंग का मतलब पेरीमीटर, और पेरीमीटर ऑफ द एनी शेप इज द सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक?
तो ले लो आप एक ट्रेपेजियम, फिर से बना लो एक छोटा सा ट्रेपेजियम। नहीं भी बनाएंगे तो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक, तो वी विल नॉट ड्रॉ दैट बिकॉज आई एम नॉट ड्रॉइंग दिस, यू हैव टू ड्रॉ इन योर आंसर शीट्स वेन एवर दिस क्वेश्चन विल कम इन योर एग्जाम, यू मस्ट ड्रॉ दैट फिगर, बिकॉज जब भी किसी क्वेश्चन में फिगर होता है ना, आपको उस फिगर को ड्रॉ करना चाहिए, ठीक है। तो आपने स्टार्ट कर दिया लेंथ ऑफ फेंस, मतलब आपने पेरीमीटर बता दिया है भैया सीधा सीधा कि पेरीमीटर ऑफ ए बी सी डी इज वॉट 120 मीटर, ओके, ठीक। अब आपके पास पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, इन सब की वैल्यू आपको है 120 मीटर। अब इनमें से दिया क्या क्या हुआ, बी सी दिया हुआ है, ए डी, सब जो जो दिया हुआ है निकालो, और जो नहीं दिया हुआ है वो आपको लिखना है, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड उसके बाद आपको बतानी है। और इसमें क्या बता रहा है कि वो ए बी इज पैरेलल टू दिस, मतलब ए बी जो भी निकला वही उसकी हाइट होगी, क्योंकि ये 90 डिग्री बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हुआ, बी सी के बदले आपने ए बी तो आपको पता नहीं है, बी सी के बदले लिख लीजिए आप 48, देन सी डी के बदले लिख लीजिए आप 17, देन डी ए के बदले लिख दीजिए या ए डी के बदले लिख दीजिए 40, और ये हो गया आपका 20, ओके। तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी इन सब का सम करके 120 से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि ये पूरा सम जाके उधर ट्रांसपोज होगा, और जब ट्रांसपोज होगा तो वो सब्ट्रैक्ट होता है। तो क्या हुआ, 48 और 40 88 होता है, 88 और 17 होता है 105, ठीक। तो देख लीजिए आप 88 प्लस 17 हो गया 105, ठीक। तो 105 सब्ट्रैक्ट करेंगे 120 से एंड यू विल बी गेटिंग 15 क्या मीटर, सब मीटर में है, इसको भी आप मीटर में ही रखेंगे, और हो गया आपका सॉल्व। क्या हाइट आ गई है आपकी, हाइट आ गई है, तो आप ऑफकोर्स किसी कोई फील्ड हो ट्रेपेजियम की, कोई ये दी कोई प्लॉट हो, कुछ भी हो, कोई टेबल टॉप हो, आप उसकी एरिया निकालने में बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी दैट फील्ड इज अगेन हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू द डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब कि हाइट इज हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, क्या क्या होगा, ए डी प्लस बी सी लिख दीजिए इंटू हाइट है आपकी ए बी, सब वैल्यूज रख दीजिए, हाफ इंटू ए डी की वैल्यू क्या है आपकी 40, बी सी की वैल्यू क्या है आपकी 48, हाइट क्या निकली आपकी 15, तो ये हो गया हाफ इंटू 88 इंटू 15, ये हो गया 44, ठीक, 44 आ गया आपका। तो 44 मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 15 से, 20, 22, देन 44, ये हो गया 660 meter square आंसर, हो गया आपका फाइनल आंसर डन, ठीक। तो इस तरह से हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व। अब आपके पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बेटा मज़ा तो आ रहा होगा क्योंकि हर क्वेश्चन सेम फॉर्मूले से अभी तक सॉल्व हुआ है, बस कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, पेरीमीटर एरिया। कभी हमारे पास दोनों वैल्यू दी हुई हैं, पैरेलल साइड्स की और हाइट की दी हुई है, हमको डायरेक्ट एरिया की निकालनी है वैल्यू। कभी आपके पास एरिया दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, एक पैरेलल साइड दिया हुआ है, दूसरे पैरेलल साइड्स की वैल्यू निकालनी है, वन ऑफ द पैरेलल साइड की। तो ऐसा ही आपको क्वेश्चन में इधर उधर ट्रांसपोज करके वैल्यूज निकालनी है, फॉर्मूला इज सेम, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4 के पास चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 4 है द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड, डायगोनल इज गिवन, और आपको फॉर्मूले में हमने दिखाया नहीं है, तो अभी समझ लीजिए कि किसी भी फिगर, कोई भी क्वाड्रिलेटरल का जब हम लोग एरिया निकालते हैं तो क्वाड्रिलेटरल की एक कॉमन डायगोनल ले लेते हैं, और अगर उसमें आपका है हाइट गिवन, तो दो ट्राइंगल पे अगर आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल को एक डायगोनल से डिवाइड करते हैं तो वो दो ट्राइंगल्स पे डिवाइड हो जाता है, और ट्राइंगल की एरिया तब बहुत ही इजी हो जाती है जब उसकी बेस और हाइट पता होता है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो दो हाइट्स आपको ऑलरेडी गिवन है आपके इस क्वाड्रिलेटरल में, ये है हाइट वन एंड ये हाइट टू, और इसका डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता देती हूँ, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल अगर आपका डायगोनल भी गिवन है और हाइट भी गिवन है तो, नहीं तो नहीं, ठीक है ना। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है हाफ इंटू डायगोनल, ठीक, इंटू हाइट वन प्लस हाइट टू,
ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। आपको दो एरिया निकाल करके प्लस करना है ट्राइंगल की, देन ऑल्सो यू आर करेक्ट। आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाना है, देन ऑल्सो यू आर करेक्ट। यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल वाला फील्ड। ठीक, तो आपके पास सब गिवन है, परपेंडिकुलर ड्रॉप जोन रेट, एक परपेंडिकुलर है 13 मीटर, दूसरा परपेंडिकुलर है 8 मीटर और दोनों ही ड्रॉप हैं किस पे, दैट पर्टिकुलर डायगोनल पे। ठीक, अब क्या है आपके पास, फाइंड आउट द एरिया ऑफ द फील्ड। जस्ट सी, मैं इस क्वाड्रिलेटरल का नाम दे देती हूँ, ए बी सी और डी। ठीक, तो बी डी है मेरे पास वैल्यू उसकी 24 मीटर। ठीक, ए एम है मेरे पास और सी एन है मेरे पास। ठीक है, ए एम एक परपेंडिकुलर है जिसकी वैल्यू है 13 मीटर और सी एन एक परपेंडिकुलर है जिसकी वैल्यू है 8 मीटर। अब निकालती हूँ मैं एरिया ऑफ फील्ड, क्या होगा फॉर्मूला, अगेन हाफ इंटू डायगोनल इंटू हाइट 1 प्लस हाइट 2। ठीक, कॉमन बेस है ये इन दोनों का, डायगोनल मीन्स दैट कॉमन बेस फॉर दैट पर्टिकुलर ट्राइंगल्स। तो हाफ इंटू डायगोनल है 24 इंटू 13 प्लस 8, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 12 इंटू 21। सॉल्व कर लीजिए, 2 ज़ा 1 ज़ा 4 ज़ा 2 ज़ा, आ गया आपका 252 मीटर स्क्वायर है कि सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर है। देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ फील्ड इज 252 मीटर स्क्वायर। आंसर ये हो गया आपका आंसर। ठीक, दिस इज नॉट सो मच डिफिकल्ट क्वेश्चन, दिस इज टू ईजी इफ यू आर नोइंग द कॉन्सेप्ट हाउ टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर फिगर। ठीक है, फिगर था आपके पास क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के एरिया निकालना आपके लिए नया था, जो मैंने सबसे पहले आपको सॉल्व करके दिखाया कि इसकी एरिया होती कैसे है। दो ट्राइंगल्स के एरिया को सम करके लिख लो या फिर एक क्वाड्रिलेटरल का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो, अगर उसमें हाइट्स या परपेंडिकुलर्स या डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस नहीं बोलेंगे, हाइट्स या परपेंडिकुलर्स या एल्टीट्यूड्स गिवन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ईजी ये क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इजी है। इसमें एरिया किसी की निकालनी है, रोम्बस की निकालनी है और डायगोनल्स गिवन है। जब डायगोनल्स गिवन होते हैं तो डायगोनल ए डी वन की वैल्यू दी हुई है 7.5 सेंटीमीटर और डायगोनल डी टू की वैल्यू दी है 12 सेंटीमीटर। तो आपके पास जब डी वन और डी टू दिया होता है तो एरिया ऑफ रोम्बस बहुत ईजी हो जाता है। एरिया ऑफ रोम्बस हो जाता है आपका हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू, डी वन इंटू डी टू। ठीक, ये रोम्बस है आपके पास, ये उसके फिगर, ये रोम्बस के सारे साइड्स इक्वल होते हैं और इसके डायगोनल्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, जो कि हमने चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में पढ़ा है। ठीक, तो ये है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है हमको, हमको सिर्फ डायगोनल्स दिए हुए हैं उनसे एरिया निकालनी है। तो डी वन है आपके पास 7.5 मान लीजिए इसको यहाँ से, और डी टू है आपके पास 12, किसी को कुछ भी मान सकते हैं, एक बड़ा और छोटा भी है आपके पास, आप उसके अकॉर्डिंग इसको मेंशन कर सकते हैं। और चलिए निकालते हैं हाफ इंटू 12 इंटू 7.5, ये कट गया आपका, 6 इंटू 7.5 कितना होता है देखते हैं, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गई आपकी एरिया किसकी, इस पर्टिकुलर रोम्बस की जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। डन, कितना इजी अभी तक, एकदम फ्लो में, एकदम स्मूथली हम लोग सब क्वेश्चंस करते आ रहे हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन को समझ रहे हैं। क्वेश्चन समझ के करेंगे तो आराम से सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी एक्सरसाइज का, क्या है क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर, हुज एल्टीट्यूड इज 4.8 एंड इफ वन ऑफ द डायगोनल इज 8.8 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। बहुत सिंपल, रोम्बस भी एक तरह का पैरेललोग्राम होता है। तो जब आपके पास बेस होता है, क्या रोम्बस की साइड्स है ना 5 सेंटीमीटर, मतलब बेस है आपके पास 5 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड मतलब हाइट है उसकी कितनी 4.8 सेंटीमीटर। अब रोम्बस तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे होता है। ठीक, अब इसका बेस है 5 सेंटीमीटर, तो सब
सब 5 सेंटीमीटर और इसकी हाइट है 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की एरिया होती है क्या, एरिया ऑफ रोम्बस, मतलब पैरेललोग्राम क्योंकि वो एक उसका टाइप है, बेस इंटू हाइट करेंगे और क्या आएगा 5 × 4.8 कितना आया देखिए 40.24 सेंटीमीटर स्क्वायर, पॉइंट आ गया बीच में, ठीक। 8 × 5 = 40, 0 यहाँ लगाएंगे, 4 आप कैरी ओवर करेंगे, 5 × 4 = 20, 20 + 4 = 24 होता है। नाउ अब आपको एरिया ऑफ रोम्बस गिवन है, अब आपको डायगोनल भी गिवन है एक, और आपको दूसरे डायगोनल की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये अगर मेरा ए बी सी डी है तो ए सी की वैल्यू है मेरे पास कितनी 8 सेंटीमीटर, और आपको बी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब एरिया ऑफ रोम्बस अभी अभी हमने क्वेश्चन किया है को क्या होता है डायगोनल्स के उसमें कंसिडरेशन में डी वन इंटू डी टू, ठीक है। तो एरिया निकल चुकी है आपकी 24, हाफ 8 है आपका एक डायगोनल, डी टू आपको निकालना है, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 4, तो डी टू की वैल्यू आ जाएगी 24/4 6 सेंटीमीटर, आ गया आपका आंसर। क्या बोला उसने, लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल, निकल गया आपका लेंथ ऑफ अदर डायगोनल 6 सेंटीमीटर। डन, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत 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 ईजी क्वेश्चन लगते हैं मुझे ये सब, क्योंकि हम क्वेश्चन को समझते हैं और हमारे पास फॉर्मूले हमारे माइंड में क्या हैं एकदम फिक्स हैं, जाए वो फीड हो गए हैं, उसमें फीड हो गया, सब कुछ फीड हो गया तो बस ख़त्म, अब कुछ निकलना ही नहीं है ना, एक बार गया ना तो बस अब वो अपने आप कंप्यूटर वर्क्स एज अ माइंड वर्क एज अ कंप्यूटर, वो रिकॉल होते रहेगा अपने आप, क्योंकि उसको हमने ध्यान से माइंड में डाला है। आपको भी यही करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, फ्लोर ऑफ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स, ठीक है, एक फ्लोर है उस बिल्डिंग की जिसमें 3000 टाइल्स हैं, ओके, विच आर रोम्बस शेप, जो सारे टाइल्स रोम्बस शेप के हैं और हर किसी का डायगोनल, टाइल्स का डायगोनल गिवन है कितना 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर इज 4 रुपीज, मतलब पहले तो हम एक टाइल की एरिया निकाल लेते हैं, फिर ऐसी 3000 की एरिया निकालेंगे, फिर अगर सेंटीमीटर में है तो उसको मीटर में चेंज करेंगे और फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। थोड़ा सा 4-5 स्टेप्स हैं, देखिए पहले तो एरिया ऑफ वन टाइल क्या होगा, डायगोनल्स गिवन है तो हाफ डी वन इंटू डी टू होगा क्योंकि रोम्बस शेप के हैं, तो हो गया हाफ डी वन इंटू डी टू, ठीक, ये हो गया 15, ये क्या लगा हाफ डी वन इंटू डी टू, क्यों, क्योंकि इसके क्या है इसके रोम्बस की डायगोनल्स गिवन है, ठीक है। तो 45 × 15 कितना होता है, चलिए 45 × 15 = 25, फिर ये 45, ये हो गया 675, चलिए हो गया 675 सेंटीमीटर स्क्वायर है एक टाइल, ठीक। अब ऐसे कितने टाइल्स हैं, 3 टाइल्स, तो देयरफॉर एरिया ऑफ 3000 टाइल्स कितना हुआ 675 × 3000, ठीक, ये भी कितना हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, बट कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग वन टाइल इज कितना ₹4 per meter square, ठीक है। देयरफॉर एरिया ऑफ 3000 टाइल्स इन मीटर स्क्वायर कितनी होगी, आपके पास तो सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में चेंज करने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा 100/100 × 100 से। एक बार हमने मल्टीप्लाई किया था ना, क्योंकि हमको उसको सॉल्व करना था मीटर से सेंटीमीटर में, अभी सेंटीमीटर से मीटर में बदलना है तो डिवाइड करेंगे सेम चीज़ को, 3 जीरोस तो आपके हो गए कैंसिल, ठीक। अब इनको सॉल्व करिए, ये हो गया 15, ये हो गया 22, ये हो गया 20 और अपॉन 10 है, इसका मतलब 202.50 हुआ, ठीक। ये हो गए आपके एरिया किसमें, मीटर स्क्वायर में। अब होगा कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, ठीक, टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग क्या होगा, पूरी एरिया को मल्टीप्लाई कर दो 4 रुपीज़ से, तो आ जाएगा आपका आंसर रुपीज़ में,
ज़ीरो, 20, 0, ये 0, ये हो गया 4 0 0, 4 5 20, 4 8 10 और 0 1, फिर ये हो गया 8. 810 रुपीज़ आपको लग रहे हैं पूरे इसको पॉलिश करने में. तो हो गया आपका आंसर डन. इफ़ द कॉस्ट ऑफ पॉलिश, टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर, ये द फ्लोर लिख देते हैं यहाँ पे, आ गया आपका, क्योंकि एरिया ऑफ 3000 टाइल या एरिया ऑफ टोटल फ्लोर बोल लो, एक ही बात है. नहीं, एरिया ऑफ टोटल फ्लोर नहीं बोलेंगे हम, जो लिखा है वही बोलेंगे. ठीक, तो आपने सबसे पहले क्या किया, एक टाइल की एरिया निकाला, फिर 3000 टाइल्स की एरिया निकाला, फिर उन टाइल्स की एरिया को मीटर स्क्वायर में बदला, फिर एक मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है पॉलिशिंग का अगर 4, तो 3000 का कितना होगा, उसको सॉल्व किया. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप, कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 7 था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था. अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8. ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, मोहन वांट्स टू बाय अ ट्रेपेजियम फील्ड. मोहन को एक ट्रेपेजियम फील्ड खरीदनी है, ठीक है, ही वांट टू बाय इट, परचेस इट. इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड. उसका जो साइड है ना रिवर के पैरेलल है, जो वो डबल है जो रोड के पैरेलल साइड है उसके. तो अगर वो रोड के पैरेलल वाली साइड एक्स है, तो रिवर के पैरेलल वाली साइड डबल, ट्वाइस, 2x हो जाएगी, ठीक है. इफ़ द एरिया ऑफ द फील्ड इज गिवन, दैट इज 10,500 मीटर स्क्वायर, और उनके बीच का डिस्टेंस है 100 मीटर, तो बताइए कि लॉन्गेस्ट साइड की लेंथ क्या होगी. नहीं, एक्चुअली उस साइड की लेंथ क्या होगी जो रिवर के अलोंग है, ठीक है. तो क्या करते हैं, पहले तो लिख देते हैं साइड्स. साइड्स ये ए लिख देते हैं, ए ए बी सी, और ये हो गई डी, ठीक है. तो ए डी है आपका, लेट द ए डी बी एक्स, क्योंकि आपने उसको लिया है, ठीक, रोड के जो पैरेलल साइड है उसको आपने लिया है, ए बी दैट इज ए डी दैट इज एक्स, क्योंकि उसकी लेंथ नहीं दी हुई है. फिर जो आपके रिवर के पैरेलल है वो है बी सी, जो कि डबल है, तो 2x हो गई, ठीक. फिर जो हाइट है आपकी वो है, हाइट मतलब डिस्टेंस है आपका 100 मीटर, और जो एरिया है वो भी गिवन है, क्या है, 10,500 मीटर स्क्वायर, ओके. तो एरिया ऑफ शेप ट्रेपेजॉइडल फील्ड, एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइडल फील्ड, क्या फॉर्मूला होगा, वही हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, मतलब द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स. क्या क्या हो गया, 10,500 आप एरिया के नीचे लिखेंगे, हाफ यहीं लिखेंगे, पैरेलल साइड का सम x प्लस 2x होगा, और ये होगा 100, ठीक. अब आप इसको ट्रांसपोज करेंगे नंबर्स को, तब जाके आपसे सॉल्व होगा. 2 है नीचे डिनोमिनेटर में, तो ट्रांसपोज होके न्यूमिनेटर बनेगा, और 100 है न्यूमिनेटर में, तो ट्रांसपोज होके डिनोमिनेटर बन जाएगा. ये हो गया आपका 0 0 कैंसिल, 105 इंटू 2 होता है आपका 210 इज इक्वल्स टू 3x. तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास क्या, 210 अपॉन 3 विच इज इक्वल्स टू 70. x की वैल्यू 70 कब हो रही है, जब वो रोड के अलोंग है, तो लेंथ ऑफ साइड अलोंग द रिवर, लेंथ ऑफ साइड अलोंग द रिवर, रिवर के अलोंग में कौन सी साइड है, 2x है, तो 2 इंटू 70 कितना हो जाएगा, 140 मीटर. हो गया आपका फाइनल आंसर, 8th का भी आ गया, है ना, कितना सिंपल. हर क्वेश्चन बहुत बहुत सिंपल है, आपको सॉल्यूशन से पहले फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्वेश्चन समझते हुए हर एक चीज़ गिवन में लिखते हुए नीचे आएंगे, सब सॉर्ट आउट है, सब सॉर्टेड है, सब कुछ सॉर्टेड है. बस आपको अपना माइंड एकदम यहीं पे फोकस रखना है, बिल्कुल यहाँ वहाँ ध्यान नहीं, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 9, ठीक, 9 है. व्हाट इज दैट 9, टॉप सरफेस ऑफ द रेज्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगुलर ऑक्टागॉन, ओके, इस तरह का कुछ शेप है, ठीक है. यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस. अब ये रेगुलर ऑक्टागॉन है, तो ऑल साइड्स इक्वल, ये सब इसके इक्वल हैं,
ठीक। और ये बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखिए, आपको एरिया निकालनी है ऑक्टागोन की। अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड कर देती हूँ तो बीच में बन जाता है रेक्टेंगल और आजू बाजू बन जाते हैं दो ट्रेपेजियम। बहुत ही सिंपल, देखिए क्या है, एरिया ऑफ रेगुलर ऑक्टागोन, बहुत ही सिंपल, आपको इसी की एरिया निकालनी है बस। तो क्या करेंगे पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ले लीजिए बीच में, क्योंकि बीच की एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, प्लस कर देंगे क्या, एरिया ऑफ टू एरिया है, दो एरिया है ना, टू इंटू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक, देखिए क्या है, टू ट्रेपेजियम्स हैं और दोनों ही सेम है, तो क्या किया आपने, लेंथ क्या है इसकी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है 11 मीटर और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल है 5 मीटर, ठीक है। फिर लेंथ ऑफ वन साइड, मतलब अगर ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो ए बी इज इक्वल्स टू ई एफ है, ए बी इज इक्वल्स टू ई एफ है हमारे पास क्या, 5 सेंटीमीटर, ठीक। और एच सी इज इक्वल्स टू जी डी, एच सी इज इक्वल्स टू जी डी है हमारे पास 11 मीटर, सब मीटर्स में है ना, कोई भी सेंटीमीटर में नहीं है, सब मीटर में है, तो आप सबको मीटर में ही लिखोगे, सब कुछ आपके पास है, आपको बस पुट करना है। देखिए क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब जी डी इंटू सी डी, ठीक, प्लस टू इंटू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स, मतलब ए बी प्लस एच सी, अब ए बी प्लस एच सी मतलब नीचे भी डबल कर दिया मैंने, आप समझ जाइए, इंटू ये क्या है, हाइट क्या है इसकी, फोर, हाइट फोर दी हुई है ना क्वेश्चन में, यस आपको हाइट फोर दी हुई है, ठीक। अब आप इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, हो गया आपका। मैं हाइट ना लिख के सबसे पहले तो मैं उसकी वैल्यू लिखूंगी, ए एम लिख दो इसको, ए एम, और ए एम मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ कि ए एम है क्या, ए एम है 4 मीटर, ठीक। सब कुछ मेंशन कर दिया है, बस आपको वैल्यूज पुट करनी है, ध्यान से वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। जी डी की वैल्यू है आपकी 11 और सी डी की वैल्यू है आपकी 5 प्लस 2 इंटू, ए बी की वैल्यू है आपकी 5 प्लस एच सी की वैल्यू है 11 इंटू ए एम की वैल्यू है 4 अपॉन 2, ये कैंसिल हो गया, हाफ बेस हाफ इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स इंटू हाइट होता है, ये हो गया आपका 55 प्लस 2 टू ज़ा 4, 4 इंटू 16, 55 प्लस 64 हो गया आपका 119 मीटर स्क्वायर आंसर। देखिए क्या करना पड़ा, कुछ नहीं, समझना पड़ा क्वेश्चन को, वैल्यूज पुट करनी पड़ी प्रॉपर, आ गया आपका आंसर। दो ट्रेपेजियम है, दोनों सेम थे इसलिए हमने टू बाहर लगा दिया और एरिया ऑफ एक ही ट्रेपेजियम लगा दिया, आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपके इस क्वेश्चन को भी, जो बहुत ज़्यादा लग रहा था कि तीन चार एरियाज ना निकालनी पड़े, नहीं निकालनी पड़ी आपको तीन चार एरिया, आपको एक ही बार में सॉल्व हो गया है ना। तो देखिए कितने ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन लगते हैं लेकिन कितना ईजीली सॉल्व होता है, क्योंकि उसके पास फॉर्मूले हैं हमारे पास सॉल्व करने के लिए, तो उसी फॉर्मूले के थ्रू हमको जाना है, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10। पेंटागोलन शेप का एक पार्क है जिसको बीच से डिवाइड कर दिया है, एक ज्योति ने अपने तरीके से डिवाइड किया और कविता ने अपने तरीके से डिवाइड किया और दोनों ने अलग अलग टाइप की एरियाज निकाली हैं। आपको दो डिफरेंट वेज की एरियाज निकालनी है। ज्योति ने इस पूरे पेंटागोनल को दो ट्रेपेजियम में डिवाइड कर दिया है, जबकि कविता ने एक स्क्वायर और एक ट्रायंगल के फॉर्म में डिवाइड किया है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, आपके पास फिगर बहुत बढ़िया तरीके से दिया हुआ है। अगर ये पूरा ही 15 है तो ये हो गया 15/2, ये हो गया 15/2, ठीक है। और अगर ये पूरा ही 15 है तो अगेन ये पूरा है आपके पास 30, यहाँ तक है आपके पास 15, तो ये पूरा हाइट होगी इसकी 15, ठीक। तो इस तरह से आप एरिया निकालते समय ये सब बातों का ध्यान रखेंगे। आते हैं चलो पहले ज्योति के लिए, ज्योति का फिगर बना लेते हैं हम, ज्योतिष फिगर डायग्राम क्या है, ज्योति का डायग्राम कि उसने इस फिगर को कुछ इस तरह से डिवाइड किया है, ठीक। यह हो गया आपका 15/2, ये भी हो गया आपका 15/2
और ये पूरा है आपका 30 और ये है आपका 15। एरिया निकाल लीजिए, एरिया ऑफ टू ट्रेपेजियम, दो ट्रेपेजियम है आपके पास, क्या होगा 2 × 1/2 सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स 15 + 30 × height। बहुत ही सिंपल, ये कैंसिल, ये हो गया 45 × 7.5 या 15/2 ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 45 × 7.5 ले लेंगे हम, तो क्या आएगा 25, 22, 35, 31, ये आ गया 3175 और आ गया ये 317.5, क्या है आपके पास मीटर स्क्वायर। डन, ये निकला आपका ज्योति के डायग्राम के हिसाब से उसका फिगर, एरिया का मतलब उस पर्टिकुलर पेंटागोनल शेप की पार्क का। अब आते हैं किस पे, कविता के डायग्राम पे। कविता का फिगर बोलता है कविताज फिगर, ठीक। पहले इसको हम साइड कर लेते हैं, अब करते हैं इसका कविता के फिगर का क्या हो रहा है। एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा 15 × 15, ठीक, और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा 1/2 × बेस उसका है 15 और हाइट भी उसकी है 15, है ना, क्योंकि बेस तो पूरा लिया है उसने, है ना, बेस 15 ही होगा और हाइट जो है 30 में से 15 माइनस कर दिए तो 15 बची। तो इस तरह से ये भी गया, ये हो गया आपका 7.225 कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ये हो गया आपका 225 प्लस 225/2, ये हो गया आपका 112.5, ठीक। तो क्या हुआ आपका 225 प्लस 112.5 क्या 337.5। अब ये दोनों के एरिया क्या डिफरेंट आ रही है ये आपको चेक करना है, अगर हमने चेक कर लिया तो मतलब इट इज़ क्लियर, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है, तो चेक कर लेते हैं, इन दोनों के एरिया सेम होनी चाहिए थी। यहाँ पे चेक करते हैं ये राइट है कि नहीं हमारा, यहाँ पे अगर हमने इसको ब्रैकेट लगा दिया तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमको अभी सॉल्व करने की। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ये हो गया आपका 45/2, 45/2 × 15/2 विल बी 66/75/4, हाँ ये कर लेते हैं। चलिए ये हो गया आपका 2 × 675/4, इनको सॉल्व करेंगे तो 45/2 और 15/2 675/4, ये हो गया 1 × 2 × यहाँ हो गया 337.5 सेंटीमीटर है कि मीटर है, मीटर है सॉरी, ये हो गया मीटर स्क्वायर। अब आप देख सकते हो कि दोनों ही वैल्यूज़ एकदम एक जैसी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 225 प्लस 112.5 विल गिव यू 337.5 मीटर स्क्वायर। दोनों ही तरीके से करेंगे तो भी आपका आंसर सेम होगा, क्योंकि आपका फिगर तो सेम था ना, आपने उसको कट अलग तरीके से किया था और फिगर सेम है तो उसकी एरिया भी बिल्कुल करेक्ट आएगी। इसीलिए मेरे को यहाँ क्लिक हुआ कि कुछ तो कैलकुलेशन में हुआ होगा या फिर स्टेप में हुआ होगा, एंड वी हैव जस्ट करेक्टेड रेक्टिफाइड इट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आता ही आता है ये इस टाइप का क्वेश्चन, आपको 9th में भी मिलेगा, तो आप बिल्कुल ध्यान से समझेंगे कि हुआ क्या है, ठीक है। तो आपके पास है ऊपर एक ये फ्रेम है, फ्रेम में क्या होता है ना, पूरे तरफ से पूरा एंड टू एंड हमारा फोटो नहीं चिपका होता है, उसमें कुछ कुछ गैप्स होते हैं और जब वो गैप्स बनते हैं तो वो ट्रेपेजियम बन जाते हैं, चार हर फोर पूरे फोर साइड से, चाहे टॉप बॉटम हो या लेफ्ट राइट हो, ठीक है। तो ये क्या होगा कि हमको उसी फिगर के फ्रेम में वो क्या बोला है कि एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम, उस फ्रेम का हर एक सेक्शन की एरिया निकालनी है और हर सेक्शन की विड्थ जो है बिल्कुल सेम होगी, ऑफ कोर्स तभी तो वो बना है एक प्यारा सा फ्रेम। फ्रेम में आप देखिएगा कोई भी फ्रेम हो, किसी भी तरह का फ्रेम हो, आपकी जो बाउंड्रीज हैं वो बिल्कुल इक्वली क्या होती हैं, अपार्ट होती हैं उस पर्टिकुलर पिक्चर से, आपकी जो भी पिक्चर आप उसके अंदर लगाएंगे। तो होगा क्या, देखिए ध्यान से, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, ठीक।
तो अगर आपको एरिया निकालनी है तो आप पहले क्या करोगे, पूरी इस पूरे बाहर वाली एरिया से अंदर वाली एरिया को माइनस कर दोगे तो ट्रेपेजियम की निकल जाएगी। तो निकालते हैं, चलिए एरिया ऑफ ईच सेक्शन, सॉल्यूशन नंबर 11। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं अब इसको। एरिया ऑफ लेफ्ट सेक्शन, एरिया ऑफ लेफ्ट सेक्शन कैसे निकलेगी देखिए। सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ट्रेपेजियम की हाइट निकाल रहे हैं हम, तो हाफ इनटू 20 + 28 और हाइट है इसकी 4। ये कैसे निकली 4, ध्यान से देखिए, हाइट है इसकी 4 मैंने बोला, कैसे निकलती है वो देखिए। ये 28 में से 20 माइनस कर दूंगी, 28 में से 20 माइनस कर दूंगी और कर दूंगी उसको डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि ये जितना पोर्शन यहाँ से खाली होगा उतना ही पोर्शन यहाँ से भी तो उसका डिस्टेंस होगा ना, तो इसीलिए दोनों तरफ से इक्वल डिस्टेंस है इसलिए डिवाइडेड बाय 4 किया। तो देखिए आपका क्या आ रहा है आंसर, हाफ इंटू 48 इंटू 8 अपॉन 2, ठीक, जो कि होता है 4। ये हो गया आपका कैंसिल, 24 आया और ये आपका कैंसिल 4 आया। क्या आया, 24 इंटू 4 कितना होता है 96, क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। और सिमिलरली फॉर राइट सेक्शन, ये राइट सेक्शन भी सेम ही है, ठीक है, तो आपका जैसा लेफ्ट वैसा राइट। अब नेक्स्ट करते हैं एरिया ऑफ टॉप सेक्शन, ठीक, टॉप सेक्शन की एरिया भी सेम निकलेगी, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। क्यों है सेम पता है आपको, क्योंकि सब के सब यहाँ पे क्या है, ट्रेपेजियम है, चारों साइड्स ही आपका ट्रेपेजियम बन रहा है, तो क्या हुआ आपका हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इंटू हाइट। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स ऊपर कितनी है 24 और 16, 24 प्लस 16 इंटू हाइट कैसे निकलेगी, वही 24 माइनस 16 करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, ठीक। तो क्या निकलेगी देखिए, हाफ इंटू 40 इंटू, ये इन दोनों को माइनस किया तो 8 आया, 8 अपॉन 2 4 ही होता है, तो ये आ गया आपका 20 और ये आ गया आपका 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो आपने बॉटम निकाला सेम आपका टॉप होगा, तो मैंने एरिया ऑफ टॉप सेक्शन निकाला है, सिमिलरली फॉर बॉटम आ गया आपका। कितना सिंपल, इसकी आपकी लेफ्ट और राइट की आपकी निकली है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर और टॉप और बॉटम की आपकी एरिया निकली है कितनी 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था आपका ईच सेक्शन ऑफ एरिया भी, ईच सेक्शन ऑफ दी फ्रेम निकालना, उसकी विड्थ आपने निकाली, दोनों को माइनस किया, डिवाइडेड बाय 2 किया, क्यों किया, दोनों तरफ से इक्वल डिस्टेंस पे वो अंदर फ्रेम बना हुआ है, प्रॉपर सेक्शंस डिवाइडेड हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ये जो कि डिफ़िकल्ट लगता है लेकिन इजी मेथड, बहुत इजी मेथड, ये भी सॉल्व हो गया, ज्योति और कविता वाला भी सॉल्व हो गया और हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ऑलमोस्ट नहीं पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए, एक भी क्वेश्चन हमने छोड़ा नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 9th है आपका, ठीक, तो आप देख सकते हैं कि हर एक क्वेश्चन बहुत ही सिंपली सॉल्व हो गया है और ये आपकी एक्सरसाइज 11.2 भी हो गई है डन। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 11.3, उसके लिए आप वेट करेंगे और वेट ही नहीं, उसके लिए आप बिल्कुल एक्साइटेडली वेट करेंगे, क्योंकि हम फिर से 11.3 के पूरे क्वेश्चंस आपके सामने लेके आएंगे और एकदम सिंपली सॉल्व करेंगे। मैं फिर से आपको रिमाइंड करा दूं कि जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं किसी भी एक्सरसाइज के, एक बार आप वीडियो ज़रूर देखेंगे या एक बार आप रिकॉल ज़रूर कर लेंगे सारे फॉर्मूले जिसमें हमने एक्सप्लेन किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ टू टर्म्स, दैट इज़ एल बी एंड पाई आर, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे पॉज करती हूँ, मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से लेके आऊँगी उस सारे सॉल्यूशंस को 11.3 के। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बी हैप्पी और इंतज़ार ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो आप करेंगे ये तो मुझे पूरा विश्वास है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड बी हैप्पी।